टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक. जब इतनी बड़ी बात हुई है, सफाई देने से काम नहीं चलेगा. अब तो अगली परीक्षा देनी होगी. त्रेता युग में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और इस युग में इमली का अथर्व अग्नि परीक्षा दे रहा है. किया भाभी ने इमली पर कुछ ऐसा इल्जाम लगाया था कि अथर्व चुप नहीं रह सका. इमली के ज्ञापन कुछ लोगों की सोच इतनी घटिया हो गई है, जिसके साथ कुछ गलत होता है उसी को दोषी ठहराते हैं. सब कुछ सही है तो आकाश और किया को शांति नहीं हो रही, तो इसलिए किया थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करती है. तो अथर्व मेरे लिए सबके सामने कांच तोड़ के उसके ऊपर चलता है. बेसिकली अथर्व स्टैंड ले रहा है इमली के लिए, ऑलमोस्ट लेता है फिलहाल. अभी भी बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि उसके कैरेक्टर पे बात आ जाती है. फैमिली मेंबर्स हैं मेरी भाभी जो है, किया उस पर इल्ज़ाम लगा दी और तूने एक पूरी एक रात तूने यू नो यू वर देयर विद धैर्य, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ दैट यू बोथ ऑफ यू यू नो गॉट इंटीमेट एंड ऑल. तो ये अथर्वा यू नो नहीं ले पाता यू नो, क्योंकि बहुत हाइट्स हो जाता है. तो तभी वो आके भड़कता है सब पे और इमली के लिए स्टैंड लेता है. किया भाभी को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि इमली का साथ इस घर में कोई देगा. किया अपने मुंह के बल गिरी जब कांच पर अथर्व ने दाग को गलत साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी. जो भी है, किया और आकाश को जो चाहिए था वो नहीं मिला और सब कुछ फिर से सही है. त्रेता युग में एक स्त्री ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन इस युग में एक स्त्री के लिए उसके पति ने अग्नि परीक्षा दी है. इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि सतयुग लौट आया है. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.